ओम शांति। हमारी शुभ भावनाएं हमें महानता की ओर ले चलती हैं, जो विश्व कल्याणकारी हैं, जिन्हें भगवान ने अपने महान कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें अपने चित्त को शांत रखते हुए अपने महान कर्तव्यों की ओर मुख करना चाहिए और उसमें हमारी सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभ वृत्ति बहुत ही बड़ा काम करती है। किसी के लिए भी निगेटिव वृत्ति ना हो, घृणा की वृत्ति ना हो, ईर्ष्या की वृत्ति ना हो, शुभ वृत्ति, सबको आगे बढ़ाने की भावना, सबका कल्याण करने की इच्छा, सबको सुख देने की इच्छा, ये महान आत्माओं के लक्षण हैं। तो चेक कर लें, हमारे मन में किसी को भी गिराने चढ़ाने की भावना तो नहीं है? ऐसा तो नहीं हम इस दलदल में फंस गए हैं? ये दो दलदले हैं, तेरा मेरा और गिराना चढ़ाना। इनसे उन आत्माओं को मुक्त रहना है जो इस संसार को कुछ देना चाहते हैं। संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर देख रहा है। जिनकी ओर संसार की अनेक आत्माएं निहार रही हैं, वो किसे देख रहे हैं, वो कहाँ हैं, सोच लेना है। क्या हम संसार की इन बातों पर खरे उतरेंगे? जिस सब के लिए हमने त्याग किया है, ये पवित्र जीवन अपनाया है, संसार की तृष्णाओं को लात मारी है, क्या वो सब महान बलिदान करके हम कहीं उलझ गए? जो उलझ गए वो तो गए, महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये न भूलो, बाबा ने हमें अपने खजाने दिए हैं, जन्म दिया है, वरदान दिया है, शक्तियां दी हैं, अपना शुभ भावनाओं का हाथ हमारे सिर पर रखा है। वे हमें इस संसार में चमकाना चाहते हैं, विश्व की स्टेज पर लाना चाहते हैं, केवल चमकाने के लिए नहीं, लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए, संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए। हम शुभ भावनाओं से अपने चित्त को भरकर विजयी आत्मा बनने की ओर अपने कदम बढ़ाएं। हमें माया के हर स्वरूप पर विजय पाना है और विजय पाते पाते विजयी रतन बन जाना है। कोई भी ये न सोचे हम तो देर से आए हैं, या हम तो समर्पित नहीं हैं, या हम तो अपने गृहस्थ में रहते हैं, हम भला विजय माला में कैसे आएंगे? नहीं, बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि अंत तक भी 3-4 सीटें खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करके उन चेयर्स पर बैठना चाहे तो उसको खुली ऑफर होती है। कोई ये नहीं कह सकता हम तो अंत में आए हैं, अब के बाद भी आने वालों को सुंदर चांस रहेगा, केवल लगन से उस ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। सब चीजों का त्याग करके, त्याग कोई घरों का या धन संपत्ति या काम धंधे का नहीं, व्यर्थ का त्याग, झंझटों का त्याग, दूसरों को देखने का त्याग, दूसरों की अवगुणी वृत्ति रखने का त्याग, ईर्ष्या द्वेष का त्याग, इन सब पर भी बहुत सहज विजय पाई जा सकती है और विजय पा लेनी है। इसलिए सभी अपने कदम तीव्रता से आगे बढ़ाएं और विजय माला को अपने गले की माला बना लें, विजय माला में सुशोभित हो जाएं, ताकि हम बाबा के गले का भी हार बन जाएं। याद रखेंगे, विजय माला तो उनके ही गले में पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे, जो दूसरों को बदलने की सोचते रहेंगे, उनको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, वह मैं विजय माला का मणका हूं। हो सके तो अपना नंबर फिक्स कर देना, विजय माला में आने के लिए 8 घंटे योग चाहिए, कर्म योग, चलते फिरते योग, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता की धारणा चाहिए, तेरे मेरे मैंपन का संपूर्ण त्याग होना चाहिए, शुभ भावनाओं से जीवन
भरा हुआ हो, चित्त निर्मल हो गया हो और हम बाबा के कार्यों में संपूर्ण समर्पण भाव से तत्पर हो, तो विजयमाला में आने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा और सारा दिन अभ्यास करते रहेंगे। परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कभी सूक्ष्म वतन से बाप दादा के मस्तक से निकली हुई रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सारा दिन इस अभ्यास का आनंद लेंगे। ओम शांति।